नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य दिलीप के हाथी बैड 4 मई को शहर आएंगे। हाथी बैड यहां सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे। नगर निगम शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने पर जोर दे रहा है। मानस भवन में पजल पार्किंग बनने के बाद अब सिविक सेंटर में भी इसका काम शुरू हो गया है, लेकिन पेड पार्किंग के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। वह मुश्किल 4 पेड पार्किंग शुरू हुई थी, वे भी धीरे धीरे बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से मेडिकल अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए अधीक्षक के पास फोन पहुंचा, लेकिन परिजन और जूडा के बीच झड़प हुई और इसके बाद जूडा ने परिजन को पीट दिया। इस पूरे मामले की डीन जांच करने डीन ने कमेटी बना दी है। इससे बाहर जूडा के दोषी पाए जाने पर उनसे 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। लॉ की फीस नहीं देने के कारण मंगलवार को एक छात्र परीक्षा से बेदखल हो गया। यह बात जैसी छात्रावासी छात्रों को पता चली, फौरन छात्र एकजुट हुए और चंदा जुटाया। फीस फिर भी पूरी नहीं हुई तो साथी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम घूम कर चंदा किया। विक्टोरिया जिला अस्पताल में जुलाई से मरीजों की सभी पैथोलॉजी जांचें हो सकेंगी। इसके लिए यहां सेंट्रल लैब भी बनाई जाएगी। दिल्ली से आई टीम ने विक्टोरिया जिला अस्पताल का निरीक्षण करके जुलाई से इसे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।